बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक ओर हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बागेश्वर धाम में किसी आपराधिक घटना को घटित करने के प्रयास में आए एक मुस्लिम युवक को कट्टे और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं अब इस मामले में पुलिस गहनता से जांच में जुटी है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के परिक्रमा मार्ग पर की, जहां हजारों लोगों की भीड़ के बीच 18 जून की शाम धाम के लोगों की सूचना पर पुलिस ने एक तमंचाधारी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसका नाम रज्जन खान, उम्र 44 वर्ष बताई जा रही है, जो केंद्रपुरी कॉलोनी वार्ड 28 के शिवपुरी का रहने वाला है। पुलिस ने इस व्यक्ति के पास से 315 बोर का अवैध कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं इस मामले में बमीठा थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया है। ये दो दिन पूर्व एक आरोपी को पकड़ा है, जो मूलतः जिला शिवपुरी का रहने वाला है, और इसको थाना बमीठा द्वारा 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई इसमें की गई है, और बागेश्वर धाम परिसर में ये पाया गया था, और मंदिर के कुछ लोगों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी थी, और पुलिस ने जाके इसको गिरफ्तार किया है और एक अवैध हथियार इसके पास से जब्त हुआ है। इसमें इसमें कार्रवाई की जा रही है। एक कारतूस आरोपी युवक से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है, जल्द ही इसमें बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, खजुराहो।